लेकर आया हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम ज्योग्राफी का 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ज्योग्राफी का जो MA MSc में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वह एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है ये MD यूनिवर्सिटी रोहतक का है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सभी का मतलब पढ़ी हुई ज्योग्राफी जाती है, सभी जगह मतलब सेम रहता है, यूनिवर्सिटी अलग हो लेकिन सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे आपको पता चल जाता है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9353447272793 5034447. तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और आपको इसकी PDF विद आंसर की मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आपको उसी टाइम आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या आया हुआ है कि इसके अंदर पूछा गया है, देखिएगा हिंदी मीडियम वाले, बंगाल की खाड़ी में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता ही, साइक्लोन कहा जाता है। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन और ओरिएंटेड इन बाय बे ऑफ बंगाल इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे? साइक्लोन कहेंगे। सेम आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों ही देख सकते हैं, ऊपर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में एक साथ ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेलर का जलवायु आरेख बनाने के लिए आवश्यक जलवायु संबंधी प्राचाल है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, आर्द्र बल तापमान तथा सापेक्ष आर्द्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन लेयर निम्नलिखित में से किस किसका उपभाग बनता है बनाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, इसका सॉरी ऑप्शन नंबर चार होगा, समताप मंडल है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो लेयर है आपको पता है कि O3 यानी कि ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बनी होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका आया हुआ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मरुस्थलीय, एक मरुस्थल जिसमें सीमित मात्रा में रेत और स्थिर हवा की दिशा है में अधिकांशतः छिदे हुए रेत के टीले का प्रकार होगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चार का इसका क्या हो जाएगा? बरखान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंधी घाटी का एक अपरदन विशेषता है, तो पांच का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कास्ट स्थलाकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर छः कहता है कि तापीय विरोधाभास सिद्धांत संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, मानसून से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रंग चेंज कर देता हूँ, इसका रेड कलर कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि रिक्टर स्केल मापते हैं, रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को, तो ये आपको पता ही है, ये तो आसान क्वेश्चन ही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आठ कहता है कि जब हाश दर रुदोष्म शीतलन दर से अधिक होती है तो वायुमंडल की स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आठ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्ण अस्थिरता की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपको पता ही कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, ऑक्सीजन जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CFC नाइट्रेट ऑक्साइड मीथेन, इनका सूत्र आपको पता है, CFC और नाइट्रेट ऑक्साइड और इसके बाद मीथेन CH4 जिसे हम लिखते हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तो O2 लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वन नहीं है, इस बात को याद रखना है, नहीं है ये पूछ रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका इथोपिया आ जाएगा,
क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्या है, जो आपकी ये पृथ्वी होगी और ये आपकी इक्वेटर लाइन की भूमध्य रेखा होगी, इसके पास जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ये सारे देश जैसे ब्राजील है यहाँ आपका, दक्षिण अमेरिका में, कांगो अफ्रीका में, इंडोनेशिया आपका एक देश है और एक द्वीप भी है, तो ये क्या भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इथोपिया आपका अफ्रीका के अंदर थोड़ा ऊपर की ओर पड़ता है, तो यहाँ ये वन नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आल्प्स, आल्प्स आपको बताया कि पर्वत है, लेकिन किस प्रकार का पर्वत है ये आपसे पूछा गया है। तो 11वें का ऑप्शन ये हो जाएगा नंबर 2, क्या है ये नवलित पर्वत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि फ्योर्ड तटों का निर्माण खालिस्तान के जलमग्न से होता है, यानी कि जो फ्योर्ड तट है उनका निर्माण वो किसके द्वारा होता है, तो आपका युवकार की घाटी, यहाँ जब जलमग्न हो जाती है समुद्र में तो उसके फ्योर्ड तटों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि कौन सी वायदा पेटियाँ ITCZ से मिलती जुलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या भूमध्य गर्त, भूमध्य रेखीय गर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित से कौन सा संघनन का एक रूप नहीं है, यहाँ पूछा गया एक रूप नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बादल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15, एल नीनो में खालिस्तान सागर में जल के गर्म होने को बताता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका एक है क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पैसिफिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कौन क्वेश्चन है कि सुनामी है, सुनामी है तो सुनामी क्या है, तो 16 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लहरें, आपको पता है कि समुद्र में आने वाली ऊंची ऊंची लहरें, आपका जैसे समुद्र है इसके अंदर इस प्रकार से जो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं इस प्रकार से, वो उससे बड़ी तो उसे क्या कहते हैं, वो एक प्रकार की लहरें ही होती हैं इस प्रकार से, तो वो जैसे यहाँ कोई रेजिडेंशियल एरिया है समुद्र तट के साथ, लोग हैं यहाँ जो भी रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम पानी जाएगा तो वो क्या है इस जल में डूब जाएंगे, और वो जल वापस क्या है समुद्र में खींच ले जाएगा, वहाँ उन्हें मछलियाँ वगैरह बाद में उनके शव को खा जाएगी, उनके शरीर को खा जाएगी, तो बड़ी दर्दनाक मौत होती है, जहाँ भी सुनामी आती है बहुत ज़्यादा जान माल को हानि होती है, प्राकृतिक आपदा है आपको बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भौतिक अपक्षय से जुड़ी नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा चट्टानों का अपघटन, क्वेश्चन नंबर 17 का 2, चट्टानों का अपघटन इससे शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह खालिस्तान के तापमान को परिवर्तित करती है, तो 18 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पश्चिमी यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोर्नेडो सर्वाधिक आम मौसमी घटना है, तो टोर्नेडो कहाँ पर आती हैं ज़्यादातर, तो आपको पता है कि मध्य अमेरिका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण आर्द्रता मापन में प्रयुक्त होता है, तो जिनसे जिससे आर्द्रता मापी जाती है, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्द्र बल्लव, शुष्क बल्लव थर्मामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गुम्फित जलमार्ग एक विशिष्टता है, तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा की दिशा, अगला क्वेश्चन देखिए, हवा की दिशा की ओर के पर्वत पर कम बारिश होने का कारण है, तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रुदोष्म तापमान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक जलधारा नहीं है, 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेंगुएला धारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा की नहीं है, वेंगुएला धारा कहाँ पर पड़ेगी आपकी, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस देश से रिलेटेड है, कहाँ पर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका की परतें कहलाती हैं, 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षितिज। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को खालिस्तान नियंत्रित करने के लिए साधन सुझाने के लिए जाना जाता है, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो ओजोन अपक्षय, यानी कि ओजोन से, यानी कि ओजोन डिप्लेशन जो हुआ था उसे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इससे रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गडरिया समुदाय नहीं है? तो गडरिया समुदाय 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खासी। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारदनमुख बनाती है? तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा 3 ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को अर्ध ब्लैक माउंटेन है? तो 28 का आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काराकोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस पर्वत श्रृंखला पर प्रत्येक विपरीत ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति के परस्पर भिन्न प्रकार होते हैं? तो 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तथा पूर्वी घाट परस्पर कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शोक नदी निम्नलिखित में से क्षेत्र से होकर बहती है? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 लद्दाख। अगले क्वेश्चन 32 कोरोमंडल तट स्थित है, तो 32 का आपको ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अलग गर्मी तथा सर्दी के मौसम वाला है? तो 33 का 33 का ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा शहरी जनसंख्या के अधिक तीव्र गति से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? 34 का ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण से शहरी प्रवास की उच्च दर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से जिले अन्य किसी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर रोहतक और चरखी दादरी, यह रैना जी के क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगस्त 2010 में किस आपदा ने लद्दाख में अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंख प्रवाह ने पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक नाम इंडो गंगा डिवाइडेड है? तो 37 का आपका 3 हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ऋतु प्रवास नहीं करता? तो आपको बताना है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा 4 संथाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन से क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा नहीं होती? तो 39 का 3 हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विदर्भ क्षेत्र स्थित है? तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की जो सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ये आना था यहाँ, एक मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन में शायद मिस्टेक है कुछ। 41 का हाँ, ये कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, नदी यहाँ गलत टाइपिंग हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नंबर 2 तांबा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोणार्क रेलवे इनके बीच फैली है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 मुंबई और मंगलोर के बीच, कोणार्क रेलवे पहली रेल यहीं पर ही चली थी, सॉरी मुंबई से ठाणे के बीच चली वो। तो अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल्द ही शुरू होने वाला ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे जोड़ता है? तो ये हरियाणा जी के क्वेश्चन है 45 का 3 अंबाला और नारनौल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का में से कौन सा जिला कपास का उत्पादन नहीं करता? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पानीपत में कपास का उत्पादन नहीं होता। नूह के अतिरिक्त हरियाणा के किस अन्य जिले में हरियाणा की मुस्लिम आबादी की अधिकता सघनता है?
तो 47 का आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 यमुनानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी मौसमी धारा स्थानीय भाषा में नाली कहलाती है? तो इसका 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 घग्गर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कर करेगी कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला कृषि में सर्वाधिक विकसित है? 49 का आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में आम और किन्नू का सबसे अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यमुनानगर और सिरसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित शहर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में मृदा लवणता के उद्भव के लिए में से क्या प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है एक नहर सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि बुशमैन जनजातियों का संबंध इस जाति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निग्रो। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार पिरामिड आरेख का जनसंख्या संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विकसित देशों का। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य कृषि मुख्यतः विशेषता रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बागवानी में। अगला क्वेश्चन देखिए, रूरल औद्योगिक क्षेत्र स्थित है तो ये आपका कहाँ पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए इसका आपका जर्मनी के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कॉफी का एक प्रकार नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 कॉफी ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सकीमो निवासी हैं तो ऑप्शन नंबर 2 अलास्का के हैं। अगला क्वेश्चन है कि इबेरिया प्रायद्वीप में सम्मिलित देश है? तो इसका राइट आंसर स्पेन और पुर्तगाल। कृषि की कौन सी पद्धति दक्षिणी एशिया में प्रमुखता से है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीविका कृषि। अगला क्वेश्चन है कि 61 का आपका समशीतोष्ण घास के मैदान जाने जाते हैं 3 गेहूं की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में बुशमैन नहीं रहते हैं? तो नंबर 1 है चार्ड में बुशमैन नहीं रहते, बाकी सभी जगह रहते हैं। 63 का एक्यूमेन शब्द बताता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 मानव के रहने की भूमि एक्यूमेन। वेबर के मॉडल का संबंध है तो ये आपका औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से है। अगला क्वेश्चन है किस स्थायी किराए की अवधारणा संबंधित है? तो ये आपके 65 का जो राइट ऑप्शन नंबर 2 वांगथेनुन मॉडल से है। निम्नलिखित में से कौन कौन सतत विकास की अवधारणा संबंधित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 ब्रेटलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक घनी आबादी वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसून एशिया। यूक्रेन में डोनबास इसके लिए जाना जाता है कोयला उत्पादन। कोटी आकार नियम की अवधारणा किसने दी? जिफ ने। पर्यावरण नियतिवाद अवधारणा का प्रथम किसके लेखों से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट जेल। प्राइमर सिटी की अवधारणा किसने दी? जेफरसन द्वारा। जनाकीय संक्रमण मॉडल की दूसरी अवस्था की विशेषता है तो ये आपका 72 का 2 उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर। नगर की आंतरिक संरचना का संकेंद्रित अंचल मॉडल दिया था बर्गेस ने।
उष्णकटिबंधीय सागरों में मत्स्य पालन का स्थान जुड़ा है। उपयुक्त सभी ठंडे पानी के क्षेत्र से तट पर उत्प्रवाह से ठंडी जलधाराओं से कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। अगला क्वेश्चन है कि घुमंतु पशुपालन अधिकांशतः जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों से। चुकंदर मुख्यतः यहाँ की फसल है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 शीतोष्ण क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश गोमांश के अग्रणी निर्यातकों में से नहीं है? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है डॉगर बैंक स्थित है, तो इसका सेम राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ब्राजील है इसका। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी उद्योग में प्राथमिक रूप से इस ओर उन्मुख है, तो कच्चा माल। फुटलूज इंडस्ट्री निम्नलिखित में से कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। जल की सर्वव्यापी उपलब्धता में इस निर्माण को बढ़ावा मिलता है, बिखरी हुई बस्तियां। सवाना पशुओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है? खाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व में उच्चतम जन्म दर पाई जाती है मध्य अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के इबेरिया की विरासत के बिना वाला देश बताइए, जमैका। किसने कहा जनसंख्या पर यदि नियंत्रण न किया जाए तो ज्यामितीय अनुपात में खाद्य पदार्थ अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, तो मालथस का था ये। अगला देखिएगा क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइन नदी। जन्म और मृत्यु दर के संतुलन मध्य संतुलन के कारण जनसंख्या का शुद्ध परिवर्तन कहलाता है, प्राकृतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा दो आयामी आरेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 शंकु आरेख। स्थलाकृति मानचित्र होते हैं बड़े पैमाने के मानचित्र। आवर्ती वितरण दिखाने वाला ग्राफ कहलाता है आयात चित्र। उस प्रक्षेप का नाम बताइए जो ग्लोब को समतल सतह पर होने जैसा दर्शाता है, इसका इनमें से कोई प्रक्षेप नहीं। सर्वेक्षण की किस विधि में सर्वेक्षणकर्ता प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचता है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंद चक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि 96 अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप निम्न का एक प्रतिरूप है, तो पॉलीकोनिक प्रक्षेप। जीआईएस का पूर्ण नाम है, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वितरण है जिसे समान मानचित्र यानी कि आइसोपलेट मैप द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता, ये पूछ रखा है, तो 98 का आपका 2 हो जाएगा, क्या जनसंख्या को नहीं दर्शाया जा सकता। अगला क्वेश्चन 99 महाद्वीपों के मध्य प्रवाहों को दर्शाने के लिए कौन सा आरेख प्रयोग हो सकता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्लो चित्र। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस चित्र के में आयतन को राशि में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 घन। तो ये आपकी वीडियो थी, 100 क्वेश्चन मैंने आंसर बताए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर से देख लीजिएगा 9353
44727 इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी इसी प्रकार की वीडियो आपको लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।